नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिनाक दास और आप लोग देख रहे हैं डिजिटल पिनाक यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कैसे आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे यूट्यूब से पैसे अर्न कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम किया कि हाउ टू मेक मनी थ्रू यूट्यूब, सो आई थॉट के इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ। तो मैं एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि आप यूट्यूब से कैसे पैसे अर्न कर सकते हो, तो कैसे एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो एकदम प्रोफेशनल तरीके से। बहुत सारे लोग आपको सिखाएंगे कि YouTube चैनल कैसे स्टार्ट किया जाता है, वो बेसिक होगा, लेकिन मैं आपको एडवांस में बताऊंगा और मैं एकदम फ्री में बताऊंगा। बहुत सारे लोग इसी YouTube चैनल को कैसे स्टार्ट करते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे कोर्सेज सेल कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एकदम फ्री में बताऊंगा कैसे आप YouTube चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। तो YouTube चैनल स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है एक ईमेल आईडी। आपके पास एक जीमेल का ईमेल आईडी होना चाहिए, बस दैट्स ऑल। तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ये नहीं दिखाने वाला हूँ कि ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि ईमेल आईडी क्रिएट करना सबको पता है। अगर आपको पता नहीं कि ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोगों के ये भी वीडियो बना दूंगा कैसे ईमेल आईडी क्रिएट किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा, ये मैं एक सीरीज की तरह रखूंगा। तो 2-3 वीडियो में आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। आज सिर्फ मैं ये बताऊंगा कैसे एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया जाता है, नेक्स्ट स्टेप में और एडवांस तक हम जाएंगे। अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और अगर दोस्तों ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से मुझे इतना स्ट्रेंथ मिलता है। जैसे कि आप सभी को पता है मेरा हेल्थ इश्यूज बहुत ख़राब था, इसलिए मैंने थोड़ा वीडियो डालना बंद कर दिया था, लेकिन आई एम बैक विथ अनदर सीरीज, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे www.youtube.com। youtube.com टाइप करने के बाद ऐसा एक फीड आएगा आपके पास, तो इसके यहाँ पे जो राइट साइड पे जो साइन इन का ऑप्शन है यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है और आपको साइन इन करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करूंगा। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे ईमेल आईडी डाला हुआ है, इसलिए मुझे पूछ रहा है कि कौन सा ईमेल आईडी से मुझे ओपन करना है। अगर आपके पास एक भी ईमेल आईडी नहीं है तो आपको ये यहाँ पे ऑप्शन आएगा ईमेल आईडी डालने के लिए, खुद से लिखने के लिए, राइट। तो मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी चूज कर लेता हूँ जिससे मैं अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे पासवर्ड देने के लिए बोला जाएगा, तो मुझे यहाँ पे सिंपली मैं पासवर्ड डालता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं लॉग इन हो गया हूँ। लॉग इन हो जाना मतलब चैनल क्रिएट करना नहीं होता है, लॉग इन होना मतलब सिर्फ आप दूसरे के वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दूसरे के वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, दैट्स ऑल। उससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो अगर आपको चैनल क्रिएट करना है, इसके लिए आपको यहाँ पे जो लोगो दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। लेफ्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको क्रिएट ए चैनल जो लिखा है यहाँ पे क्लिक करना है। मेरा कर्सर जो मूव हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट ए चैनल लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे चैनल क्रिएट करना चाहते हैं या फिर नहीं, मैंने गलती से क्लिक हो गया, तो आप यहाँ पे देंगे गेट स्टार्टेड, मतलब आपको क्रिएट करना है। क्लिक करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि आपका जो ईमेल आईडी है, आपकी ईमेल आईडी पे जो नेम है, अगर आपका एज ए एग्जाम्पल मेरा नाम है पिनाक दास, तो मेरा जो ईमेल आईडी है पिनाक दास @gmail.com। तो अगर मैं क्रिएट चैनल क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो मुझसे पूछा जाएगा कि मेरा चैनल का नेम क्या होना चाहिए, मेरा चैनल का नेम पिनाक दास होना चाहिए या दूसरा होना चाहिए। अगर पिनाक दास होना चाहिए तो मैं यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट पे क्लिक कर दूंगा, जो चैनल का नेम है वही आ जाएगा। या फिर मैं चाहता हूँ कि कस्टम नेम, मतलब मैं अपनी मर्जी से एक नाम रखूँ, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करता हूँ। आप अपना यूट्यूब चैनल किस नेम से ओपन करना चाहते हैं आप सिंपली यहाँ पे टाइप कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ VM Solution। यूट्यूब का जो टर्म्स एंड
कंडीशन है, यहाँ पे क्लिक करना है। आई अंडरस्टैंड दैट आई एम क्रिएटिंग गूगल अकाउंट विद, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाइस वर्क, योर चैनल वी एम सोल्यूशन हैज क्रिएटेड, मतलब मेरा चैनल क्रिएट हो गया। अपलोड एक पिक्चर, आपको यहाँ पे पिक्चर अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। इसके बाद नीचे पूछा जा रहा है टेल व्यूअर्स अबाउट योर चैनल, मतलब आपको आपके चैनल के बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है कि एड लिंक्स टू योर साइट्स, आपने जितना साइट्स है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, या फिर अगर आपका कोई वेबसाइट है तो आप यूट्यूब के साथ इसको लिंक कर सकते हैं। तो ये हम बाद में भी कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेट अप लेटर। तो सेट अप लेटर पे क्लिक करते हैं दोस्तों, हम आ गए मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, तो मैं आपको समझाने के लिए मेरा जो यूट्यूब का चैनल है उसको ओपन करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बैनर है, जो डिजिटल पिनक लिखा हुआ है, ऑल अबाउट डिजिटल नॉलेज, इसको बोलते हैं चैनल। जैसे फेसबुक में हो गया फेसबुक कवर, ऐसे ही यूट्यूब में जो है उसको बोलते हैं चैनल आर्ट। तो उसके बाद ये दोस्तों यहाँ पे जो लोगो है, मैंने यहाँ पे लोगो लगाया, आप यहाँ पे लोगो लगा सकते हैं और आपका जो चैनल आर्ट होगा ये यहाँ पे होगा। तो चैनल आर्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, और आज सिर्फ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप लोगो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो लोगो क्रिएट करने के लिए दोस्तों आपको जो एक वेबसाइट ओपन करना है वो है कैनवा। तो मैं कैनवा ओपन करता हूँ। कैनवा एक बहुत ही बेहतरीन फीचर्स है ग्राफिक्स डिज़ाइन के लिए। आप यहाँ पे आके बहुत सारे ग्राफिक्स डिज़ाइन कर सकते हैं और एकदम फ्री में यूज़ कर सकते हैं। इसका प्रो वर्शन भी आता है, जो पेड वर्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राई कैनवा प्रो, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। कैनवा का जो फ्री वर्शन है वो ही काफ़ी है यूट्यूबर्स के लिए, बहुत हेल्पफुल होता है। आप यहाँ से यूट्यूब का जो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यूट्यूब में अगर मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल आर्ट हो गया, यूट्यूब थंबनेल हो गया। आप यहाँ से यूट्यूब चैनल आर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, यूट्यूब थंबनेल भी क्रिएट कर सकते हैं। YouTube थंबनेल क्या होता है वो भी आप बाद में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप जो वीडियो आता जाएगा उसमें मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा YouTube थंबनेल कैसे क्रिएट करते हैं। और YouTube चैनल आर्ट क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें परफेक्टली डायमेंशन होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन में और डेस्कटॉप में अलग अलग डायमेंशन देना होता है, नहीं तो जो वर्ड हो या फिर पिक्चर हो जो परफेक्टली नहीं आएगा ऑडियंस को इतना एट्रैक्टिव नहीं लगेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा अब लोगो, मुझे लोगो चाहिए। तो सिंपली मैं यहाँ पे टाइप करूँगा लोगो और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ऐसे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगो है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर थोड़ा एडिट करके इसको आप बना सकते हैं। तो मैं कोई भी एक यूज़ कर लेता हूँ, तो सिंपली मैं इसको यूज़ करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करते ही मैं आ गया एडिट सेक्शन में। आप यहाँ पे मैं एडिट कर सकता हूँ, चाहे तो मैं इस सर्कल का भी कलर चेंज कर सकता हूँ, इस सर्कल का भी बहुत सब कुछ। आप चाहे तो इसको मूव कर सकते हैं, कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। तो सब कुछ एडिटेबल है। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो वी एम सल्यूशन लिखता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा नीचे आएगा टेक्स्ट को मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा, 33 है तो 21 कर देता हूँ। और यहाँ पे ये नहीं चाहिए मुझे, टैगलाइन नहीं चाहिए, सिंपली मैं इसको डिलीट कर दूँगा। ये हो गया मेरा लोगो। इस लोगो को मैं अब इजीली डाउनलोड कर सकता हूँ। यहाँ पे जो डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपको कैसे डाउनलोड करना है, PNG में डाउनलोड करना है या फिर JPG में डाउनलोड करना है, आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ पे JPG में डाउनलोड करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली डाउनलोड हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो गया है, तो अब मैं इसको यूज करता हूँ। पहले मैं इसको थोड़ा यहाँ से मूव कर लेकर डेस्कटॉप पे लेके चलता हूँ। उसके बाद आप सिंपली मैं लोगो यहाँ पे सेट कर दूंगा और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करते हैं यहाँ पे मुझे दिखाएगा कि अगर लोगो अपलोड करता हूं तो ये यूट्यूब में शो करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, वो उन लोगों का थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगता है। तो एडिट क्लिक करता हूं, आपको दिखाई देगा लोगो, आपको टाइम नहीं लगेगा। अगर कोई आपका चैनल को ब्राउज करता है अभी, उसको लोगो देखने में थोड़ा टाइम लग सकता है, यही बोल रहा था। अपलोड फोटो में क्लिक करता हूं और डेस्कटॉप में चलते हैं। डेस्कटॉप में जाने के बाद यहाँ पे
अभी किया था ये वाला, थोड़ा इसे कट कर देता हूँ, जितना फ्रंट में आएगा इतना अच्छा दिखेगा। उसके बाद मैं इसको डन कर देता हूँ। ये हमारा लोगो सेट हो गया। मैं बैक करता हूँ और इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा लोगो जो है वो सेट हो गया है। उसके बाद अगर मैं चैनल आर्ट लगाना चाहता हूँ तो मैं सिंपली कस्टम जो चैनल है इसमें क्लिक करूंगा। कस्टम चैनल में क्लिक करते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया मेरा चैनल का जो है एडिट सेक्शन है यहाँ पे। आज हम सिर्फ लोगो क्रिएट किए हैं और अपना YouTube का जो चैनल है उसको क्रिएट किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चैनल आर्ट कैसे क्रिएट करते हैं। मैं सिंपल तरीके आपको बताऊंगा जिससे कि आपको इतना तकलीफ उठाना नहीं पड़ेगा, आपको टेम्पलेट का झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा डायमेंशन के लिए। सिंपली मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस एक ऐप के माध्यम से चैनल आर्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी इतनी आसानी से कि विद इन 5 मिनट आप इसको एडिट कर सकते हैं और अपने जितने भी चाहे चैनल आर्ट क्रिएट कर सकते हैं, और वो भी एकदम फ्री है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको हेल्प मिला तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना दोस्तों के साथ। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।